लेने फ्रेंड्स, ये हमारी आज पहली सुबह। ये आपको हम दिखा रहे हैं बालाकोट से। रात को तकरीबन हल्की हल्की बारिश सारी रात ही रही है और तूफान था। अभी सुबह भी क्लाउडी मौसम है, ये आप देख सकते हैं। ये सुबह सुबह कुरैशी साहब जो है वो चश्मे से पानी लेके आ रहे हैं। अभी हमारा प्रोग्राम है, यहाँ से हम चाय शाय बनाएंगे और इसके बाद हम जो है वो नारान का रुख करेंगे। मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका है, ठंड है काफ़ी ज़्यादा। आज हमारा दूसरा दिन है और हम निकल रहे हैं जनाब नारान के लिए बालाकोट से। चलिए आपको लेके चलते हैं बालाकोट से नारान की जानिब। के तकरीबन 11 बजे का टाइम है। रश जो है वो तकरीबन शुरू हो चुका है, जो ईद का सीज़न है, लेकिन उतना नहीं है जितना
हम सोच रहे थे मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा है, अगर मैं ऊपर की तरफ आपको दिखा सकूं तो चोटियों पे सब चोटियां जो है वहां पर बर्फ पड़ी हुई है। साहब कितना होगा, 10 से 12 किलोमीटर? 12 किलोमीटर पीछे हैं और बारिश लग गई है। अभी हमने सामने चेंज वगैरह किया है और अभी हम निकलने लगे हैं नारायण की तरफ। काफ़ी क्लाउडी मौसम है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है जो लग रहा है कि तेज़ होगी। चलें सर। अभी हम नारायण में एंटर हो रहे हैं जी। ये नारायण से तकरीबन 0.5 किलोमीटर पहले जो ग्लेशियर है वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक का दबाव है, वहाँ से गुजर रहे हैं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ईद का दूसरा दिन और लगभग 12 का टाइम होगा हम नारायण पहुँच चुके हैं। के तकरीबन 1 बज चुके हैं, 15-20 मिनट का हमने स्टे किया है, मालूमात ली है। आगे लोग बता रहे हैं कि तकरीबन जलखंड तक जो है वो रास्ता ओपन है, उससे आगे नीला ग्लेशियर वो अभी तक जो है वो नहीं पहुँच सकी इंतज़ामिया। बारिश बारिश रुक चुकी है और अगर बात की जाए लोगों की तो बहुत कम लोग हैं। अब इसकी वजह मुझे नहीं पता कि क्या हो सकती है, हालांकि ईद के दिन है और सीज़न नया नया ओपन हुआ है, ऐसे में इतना कम रश होना मिला वो वाकई हैरत अंगेज़ है। कुछ लोगों ने शहर से पहले जो ओपन एरिया है वहाँ पर अपनी कैंपिंग कर ली है। हम अभी भट्टाकुंडी की तरफ निकलेंगे, वहाँ पर 2-4 घंटे गुजारने के बाद नारायण में रात का स्टे करेंगे और सुबह इंशाल्लाह ताला हम जीन साफ मलूक के लिए निकलेंगे। अभी हमने नारायण में स्टे किया है जी। बारिश हल्की हल्की लगी हुई है। ये हमारे साथ ही थोड़ी सी पार्किंग का इशू आ रहा है, बाकी खाना हम खाएंगे जनाब मनसेरा नान शॉप में, मनसेरा कोयटा कैफे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कबाब जो है वो काफ़ी मस्त लग रहा है और इसके अलावा रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अभी यहाँ से खाना खाया है जी मानसेरा कोयटा होटल से, एवरेज होटल है लेकिन रेट इनका बड़ा रीज़नेबल है और मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा हो चुका है। ये अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ, ये नारायण का भी मौसम है और क्या ही मौसम है, बहुत खूबसूरत साथ गर्मा गर्म कबाब
अभी आप देख सकते हैं मौसम जो है साफ हो चुका है। खाना वगैरह खा के हम निकले हैं भट्टाकुंडी के लिए, और सामने वाली पहाड़ियों में जो है वो बादल छाए हुए हैं बिल्कुल बेहतरीन किस्म के। वही मौसम देखने को मिला है जिसकी ख्वाहिश थी 2-3 साल पहले आते हुए, ऐसा ही मौसम इंजॉय किया था। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रश बढ़ रहा है,